Good morning, students. Today's topic is converting 24-hour clock time into 12-hour clock time. कल हमने 12-hour clock को 24-hour clock में change करना सीखा था. आज हम 24 को 12-hour clock में change करना सीखेंगे. से पहले आज हम एक वॉच देखेंगे जिसमें दोनों नंबर हैं. ब्लू सर्कल में 1 to 12 है और उसके बाद अंदर के साइड में 13 to 24 है. 13 किसके सामने लिखा हुआ है? 1 के सामने लिखा हुआ है. तो आज हम देखते हैं कि ये कैसे होगा. इसकी हेल्प से भी हम टाइम चेंज करना सीखेंगे. नॉर्मल जब 24-hour क्लॉक में और 12-hour क्लॉक में टाइम मॉर्निंग का दोपहर के 12 बजे तक तो सेम रहेगा, बट लिखने का तरीका अलग होता है. जैसे ही पीएम का टाइम होता है वैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद 12-hour क्लॉक में तो 1 बजेगा. बट आप ये देखिए, और आपके 24-hour क्लॉक में सर्कल के अंदर आप देखेंगे, सर्कल के अंदर है 13. 24-hour क्लॉक में वो टाइम 13 लिखा आएगा. यानी जब 24-hour क्लॉक में 13 लिखा हो, 12-hour क्लॉक के अकॉर्डिंग वो दोपहर का 1 बजा होता है, 1 o'clock होता है. सेम उसी तरीके से अगर दोपहर के 2 बजे हुए हैं, दोपहर के 2 बजे हुए हैं, तो 24-hour क्लॉक में वो 14 लिखा रहेगा, 14 hour. 3 o'clock होगा तो 15, 4 o'clock होगा तो 16, सर्कल के अंदर 16 आ रहा है. नेक्स्ट 15, 17 लिखा रहेगा, इसका मतलब है 5 बजे. जैसे ही आप ये देखो, शाम का मॉर्निंग में टाइम सेम रहेगा. ये मैं आफ्टरनून के लिए बता रहा हूँ. जब भी आफ्टरनून होता है यानी टाइमिंग 2 बजते ही, तो सुबह का 1 बजता है और सुबह के 5 बजते हैं, और एक शाम को इवनिंग में, जो शाम के अगर 5 बजे रहेंगे, पीएम टाइम रहेगा, तो 24-hour क्लॉक में वो हो जाएगा 17. वैसे ही नेक्स्ट 18 लिखा हुआ है, यानी जब 6 o'clock होगा तो ये हो जाएगा 18. 19, 7 o'clock. 20, 8 o'clock, यानी रात के 8 बज रहे हैं और 24-hour क्लॉक में 20 रहेगा. 21 आ जाएगा जब 9 o'clock होगा. 22 आएगा जब रात के 10 बज जाएंगे, और 23 जब 11 बजेंगे, और 24 यहाँ लिखा हुआ है, 24 यानी जब रात के 12 बजेंगे. हम रात के जब 12 बजते हैं तो उसे दो तरीके से लिखते हैं. एक तो 00 hour होता है और दूसरा 24. हम इस तरीके से लिख सकते हैं 24-hour clock, यानी ये रात के 12 बजे. और अगर 00:00 लिखा है तो ये midnight, यानी सुबह का टाइम इसके अंदर आ जाएगा, 12 बजे के बाद का. 12 बजे ही माने जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 12:01 का सुबह का टाइम होगा, और रात के 12 बजेंगे यानी 24 hour. अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, जब हम 12-hour क्लॉक लिखते हैं ना तो डबल डॉट लगाते हैं, ठीक है? डबल डॉट के आगे हम आवर्स लिखते हैं, और डबल डॉट के बाद हम मिनट लिखते हैं, ठीक है? और उसके साथ एएम या पीएम जरूर लिखते हैं, क्योंकि 12-hour क्लॉक में टाइम दो बार बजता है, सुबह के भी 1 और रात के भी एक. जो सुबह का 1 बजता है उसके लिए हम एम लिखते हैं, और रात वाले के लिए पीएम का यूज होता है. ये आपका 12-hour क्लॉक का है. 24-hour क्लॉक का क्या होता है? इसमें आप आवर्स, मिनट, सिर्फ एक डबल डॉट हट जाती है, आवर्स मिनट एक साथ और साथ में आवर्स लिखते हैं. 24-hour क्लॉक में हम इस तरीके से लिखते हैं, इसमें एएम या पीएम नहीं लिखते हैं. अब हम चेंज करना सीखते हैं. कुछ तो टाइम देख के 24 में कैसे होगा. अगर डिजिट आपको इस तरीके से लिखी हुई,
डन। एक तो हमें डबल डॉट लगाना है, दो डिजिट के बाद यानी 7 के बाद ये आस हो जाएंगे लास्ट वाले 2 मिनट, ये हम लगा देंगे। डबल डॉट लगाते ही 12 o'clock में चेंज हो जाता है। 12 o'clock में AM और PM लिखा होना चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा AM है या PM है? अगर आगे वाले डिजिट 12 से बड़ी हो यानी 13, 14, 15, 16 तक PM का टाइम होता है, ठीक है। और आगे वाले दो डिजिट अगर 12 से छोटी है, अब आप ये देखिए 7 तो छोटा है 12 से, यानी ये सुबह का टाइम है, आप लगा देंगे AM, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं, ये तो AM वाला है कि AM कैसे पता चलेगा। और अगर यहाँ पे 14 लिखा, 14:30 24 क्लॉक में तो इस तरीके से लिखा रहेगा, अब 12 आवर क्लॉक में कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल सा वही तरीका है, पहले तो 2 लिख के डॉट लगा दो, डन। ये आपका टाइम चेंज हो गया, आपने डबल डॉट लगाई 12 आवर क्लॉक में। अब ये देखो आगे वाली डिजिट 12 से बड़ी है, तो आप इसमें 12 माइनस कर दो, पीछे मिनट पे नहीं सिर्फ आवर्स में, यहाँ 12 माइनस कर देना, माइनस 12 आवर, जब भी 12 से बड़ा हो तो माइनस 12, आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा ये 2, फिर डबल डॉट 2:30, और ये 12 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा PM, जब भी आप 12 माइनस करेंगे यानी ये PM का टाइम है, ठीक है। आप इस तरीके से आप अपने नोटबुक में सारे सम सॉल्व करेंगे। आपका पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन 1 दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स इनटू 12 आवर क्लॉक टाइम। 12 आवर क्लॉक के टाइम आपको ये चेंज करना है, इसमें 4 पार्ट्स में आपको करवा देती हूँ, बाकी के आप अपने फिर नोटबुक में सारे सम्स करेंगे। ए पार्ट आपको 0:00 आवर्स दे रखा है, मैंने अभी आपको बताया था रात में जब 12 बजते हैं इस क्लॉक के अकॉर्डिंग, रात के 12 हुए तो 24 लिखा हुआ आएगा, और जैसे ही थोड़ा सा आगे हुआ तो AM का टाइम होता है, यानी इसमें ही 12 बजे हैं, तो 12 लिख के डबल डॉट AM, ये 12 से छोटा है ना 0:00, 12 से छोटा है तो AM का टाइम है। अब नेक्स्ट इसको हम पहले क्या करेंगे, 17 डबल डॉट लिख देंगे और 10, डन। अब आप ये देखिए 17 तो 12 से बड़ा है, 12 आवर क्लॉक में 17 हम तो लिख ही नहीं सकते, तो आप 12 माइनस कर दो, माइनस 12 डबल डॉट 0:00, जब आप माइनस करोगे तो 17 में से 12 माइनस जाएगा तो हो जाएगा 5 डबल डॉट 10। अब आप ये देखो आपने 12 माइनस किया है यानी ये PM का टाइम है, ये हो जाएगा 5 यानी 5 आवर 10 मिनट्स, और ये PM का है क्योंकि ये 17 12 से बड़ा है। नेक्स्ट भी आप देखो, जब भी आप डिजिट टेक नहीं बता सकते हो कि AM है या PM, या आगे वाली दो डिजिट 12 से बड़ी है यानी ये PM है, तो पहले आप 22 डबल डॉट 45 लिख दो और 12 से माइनस कर दो, 12 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10:45 PM, बस आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 12 आवर्स है यानी दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो आप 12 डबल डॉट नून लिख दो, डन, कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसमें भी समझा देती हूँ, यहाँ है 17:10, हम अपनी इसको 17 पे करते हैं, ये देखो इस बॉक्स में 17 आ गया है, और टाइम क्या है अगर 12 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे तो 5 का, ये हो गया 5:10, इस तरीके से आप चेंज करते हैं। अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं, जब इसको पहले आप डबल डॉट में कन्वर्ट करेंगे, और आगे वाले आर्स वाले अगर 12 से बड़ी है तो 12 माइनस कर देंगे और PM, और अगर छोटा हो यानी इस तरीके से हो तो सिर्फ आपको डबल डॉट लगानी है इसके बीच में और AM लिख देना है। इसका और एक पार्ट में आपको करा देती हूँ जो AM वाला है। नेक्स्ट आपको ई पार्ट दे रखा है, इसमें ई पार्ट है
0045 hours. अब आप क्या करेंगे, डबल डॉट लगा देंगे, 45 AM हो जाएगा. AM ये डबल डॉट का मतलब है सुबह के 12:45. ये मॉर्निंग का टाइम है, 12:01 होते ही रात के मॉर्निंग होता है. 12:45 AM. इसी तरीके से नेक्स्ट 15 है तो आप 12 माइनस कर दोगे. और इसी तरीके से नेक्स्ट में 13, 17. अब ये देखो आई पार्ट में 9:09:16 hours लिखा हुआ है. ये आगे वाला 12 से छोटा है, यानी ये सुबह का टाइम है. आप लिख देंगे 09:16 AM. इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू.